उदयपुर में शनिवार रात से मावट की बारिश और ओलावृष्टि का दौर शुरू होने से एक तरफ जहां आम जनता ठंड से ठिठुर रही है, तो वहीं दूसरी ओर धरती पुत्र किसानों की चिंताएं बढ़ गई है। ओलावृष्टि से खेतों की फसलें पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। जिस गेहूं धान को किसानों ने अक्टूबर में बोया और मार्च तक तैयार होनी थी, उन खेतों में बर्फबारी के बाद पानी भर गया है। करीब 6 महीने के अथक परिश्रम के बाद गेहूं, धान और जौ की फसलें तैयार होनी थी, वो जनवरी में ही नष्ट हो गई। ऐसे में किसान परिवारों को अब अपना जीवन बसर करने में भी परेशानी आने वाली है। शहर के समीप भलो का गुड़ा, छोटा गुड़ा और मटून ग्राम पंचायत के खरबड़िया गांव में पूरे खेत पानी के आगोश में समा गए हैं। ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा खरबड़िया गांव पहुंचे और किसानों की सुध ली है। उन्होंने कहा कि फसलों की हालात देखकर उन्हें भी दुख है। विधायक मीणा ने उदयपुर जिला कलेक्टर से किसानों को उचित मुआवजा दिलाने की मांग की है। इसी के साथ किसानों का कहना है कि अब फसलें नष्ट हो चुकी है और मुआवजा नहीं मिला तो उनके परिवार को चलाना मुश्किल हो जाएगा। आज मैं ग्राम पंचायत मटून के खरबड़िया गांव में आया हूं और किसानों की दुर्दशा देखकर बड़ा दिल के अंदर बहुत ही दुख हो रहा है कि हमारे किसान भगवान के भरोसे फसल पैदा करते हैं और भगवान ने आज इनके ऊपर वास्तव में घास गिरा दी और ओलावृष्टि से ये देखो बर्फ यहाँ पर पड़ा हुआ है। खेतों की गेहूं की फसल के ऊपर ये बर्फ पड़ा हुआ है और ये सारी की सारी फसल नष्ट हो गई है। बरसात में भी हमारा उद्देश्य सागर भर गया था, उससे हमारी सारी फसल नष्ट हो गई और आज इस गेहूं, जो और दूसरे जो अनेक सब्जियां वगैरह सारी नष्ट हो चुकी है और आज किसानों को मुआवजा दिलाने के लिए मैं मांग करता हूं। जिला कलेक्टर महोदय जनसुवारी करा के उचित मुआवजा दिलाने की कोशिश पूरी प्रयास करे और किसानों को मुआवजा दिलाए, नहीं तो ये अन्नदाता हमारे लिए बहुत ही मतलब अपने आप को मतलब निर्धन महसूस कर रहे हैं, इसलिए इनको ये मुआवजा दिलाए फसल का और उचित मुआवजा दिलाकर रात प्रदान करे। धन्यवाद। परता देखो मेरा गांव कितना खराब हो गया, ये फसल कितनी खराब हो गई है। अबे मुकई करो तो मेहनत की थी, मैं खेती नहीं, नौकरी नहीं, कुछ नहीं, ये लगा मार अबे इतना मोटा लगा, मैं मेहनत की थी बेकार होगी हमारे। अबे कई करूँ कहीं नहीं करूँ, रो दी छो वेगो देखो यह फसल इतनी खराब हो गई है। सरकार मांग किया यो देख लो पेट भरनू पड़ी, कई कहीं कहीं देव दीदी पेट भरनू पड़ी। घनश्याम साली वार्ड पंच भल्लू का छोटा गुड़ा, रात को हुई ओलावृष्टि में पूरे छोटागुड़ा में फसल का नुकसान हो चुका है। गेहूं धान की फसल पूरी तरह से नीचे सो गई और एक एक डंडी के दो दो तीन तीन टुकड़े हो चुके हैं। सारे किसान बहुत परेशान हैं, इतनी मेहनत करने के बावजूद उनको ये परिणाम मिला है, उनकी मेहनत पे पूरी पानी फिर चुका। सरकार से यही अनुरोध है कि इनकी भरपाई की जाए। हम रूपलाल भल्लागा गुड़ा से बोल रहा हूँ, ये खेती बाड़ी सब खत्म हो गई, फसल कड़े पड़े से खत्म हो गया, हम खाएंगे क्या और जिएंगे कैसे? आप गवर्नमेंट मदद करोगे तो हम जिएंगे, बाकी हम नहीं जी सकते, इसलिए थोड़ा खाने का कोई व्यवस्था कर लिया जाए। आपसे निवेदन है कि मैं थोड़ा को बहुत करने का कष्ट करें, हम छोटे छोटे बच्चे हम कैसे जिएंगे।